आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के पार्ट्स की पूरी जानकारी दी थी, कितने प्रकार के हार्डवेयर्स होते हैं और उसके इंटरनल एक्सटर्नल इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में आप लोगों को बताए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर के दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरे हार्डवेयर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। तो आज हम लोग उसके दूसरे कंपोनेंट्स यानी दूसरे मुख्य भाग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और वो कितने भागों में बटे हैं, वो किस तरह के कार्य करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर क्या क्या वर्क करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी आज के आप इस वीडियो में आप लोग समझिएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मिस भी मत कीजिएगा और बने रहिएगा कंटिन्यू ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कंप्यूटर के हार्डवेयर पर वर्क किया जाता है और हार्डवेयर की सहायता से हम लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। यदि किसी कंप्यूटर के एप्लीकेशन में हमें कुछ डेटा को टाइप करना है तो इसके लिए हम लोग हार्डवेयर पार्ट कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड से हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं जो कि हमारा हार्डवेयर पार्ट होता है, जिसे हम लोग टच करते हैं। लेकिन यह जो हमारा एप्लीकेशन है जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड या एमएस वर्ड में वह टाइप होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर पे हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग हार्डवेयर पर लिखते हैं और सॉफ्टवेयर में लिखाता है, यानी कि हार्डवेयर की सहायता से सॉफ्टवेयर पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से सॉफ्टवेयर पर वो डेटा हमने लिख दिया, हार्डवेयर की सहायता से सॉफ्टवेयर पर हमने अपना डेटा को टाइप कर दिए। अब इस टाइप करने के बाद उसे यदि हमें प्रिंट करना हो तो हम सिस्टम से ही प्रिंट का कमांड देते हैं, यानी कीबोर्ड से प्रिंट का कमांड देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर उसे एक्सेप्ट करता है और प्रिंटर को एक्टिवेट कर देता है और प्रिंटर फिर उसे प्रिंट कर देता है। तो इसमें हमने प्रिंटर को बिल्कुल भी टच नहीं किया, फिर भी प्रिंटर प्रिंट कर दिया। तो इसमें प्रिंटर एक हार्डवेयर पार्ट है परंतु यह सॉफ्टवेयर से एक्टिवेट हुआ। तो इस तरह इसमें आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से ही कार्य करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं काम करेगा और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम किया हुआ एप्लीकेशन होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्रामों का एक कलेक्शन होता है जिसमें पहले से ही प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है और सॉफ्टवेयर जो है उसी के अंतर्गत कार्य करता है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल बताया कि हम कीबोर्ड की मदद से टाइप कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम में पहले से डेटा टाइप है कि कौन कौन सा वर्ड उसमें टाइप होगा, तो जो हम टाइप करेंगे वही वर्ड उसमें जाएगा और हमारे कमांड देते ही कि प्रिंटर ही प्रिंट करेगा, कोई दूसरा हार्डवेयर पार्ट उसे प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं या पहले से ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सेट किए हुए होते हैं और उसी के आधार पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वह कार्य करता है। जैसे कि एमएस पेंट में हम लोग केवल पेंटिंग ही कर सकते हैं, ड्राइंग ही कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसमें हम लोग टाइपिंग नहीं कर सकते, उसमें अकाउंटिंग नहीं कर सकते, उसमें वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो उसमें केवल पेंट से संबंधित ही आपका डेटा को सेट किया गया है, प्रोग्राम को सेट किया गया है जिससे कि वह केवल पेंटिंग से संबंधित कार्यों को करता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और यह किस तरह से कार्य करता है। अब इसमें हमने आप लोगों को एक और शब्द प्रोग्राम शब्द का प्रयोग किया। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम को हिंदी में ऐसे कार्यक्रम कहते हैं। कार्यक्रम का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी हमें कोई कार्य करना होता है पहले से एक डेटा बनाते हैं, जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लेते हैं, तो यह एक प्रोग्राम होता है कि हमें इस जगह पे घूमना है, ये चीज करना है, वो हमने पहले से बना लिया और ठीक उसी तरह से संबंधित हम लोग काम करते हैं। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर के एप्लीकेशन को भी प्रोग्राम के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम यूज किया जाता है वह एक तरह का कोडिंग लैंग्वेज के द्वारा, कोडिंग लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह से जावा, पाइथन, C++, HTML ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसी की मदद से हम लोग किसी भी तरह के एप्लीकेशन को बनाते हैं, तो उसमें हम लोग उसी के शब्दों को यूज करते हैं, उसी के कोड को यूज करते हैं जिससे कि कंप्यूटर समझता है और उस तरह से वह कार्य करता है। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं यानी कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वह सभी पहले से निर्देशित होते हैं, यानी कि उन्हें पहले से कमांड दे दिया जाता है, यानी कि यूजर द्वारा पहले से ही निर्देश दे दिया जाता है कि वह उसी तरह के वर्क को करे जिस तरह का कार्य उसे दिया जा रहा है और वह उसी से संबंधित कार्यों को करता है। तो दोस्तों प्रोग्राम का मतलब भी आप लोग समझ गए, पहले से जो हम निर्देश सॉफ्टवेयर को दे देते हैं वह उसी के अंतर्गत कार्य करता है।